हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नेक्स्ट रोजगार में, और मैं आदित्य आप लोगों के बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे तीन अलग अलग ज़िलों में आई हुई टीचर वैकेंसी की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये सूरजपुर ज़िले की वेबसाइट है और यहाँ पर आत्मन से रिलेटेड भर्ती आ चुकी है। तो देख सकते हैं, ये 3 MB की फ़ाइल है और यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। तो चलिए, हमने PDF को डाउनलोड कर लिया है और ये देख सकते हैं यहाँ पर जितने विकास खंड हैं नए नए, उनमें यहाँ पे वैकेंसी आई है। डांड करवा विकास खंड है आपका, प्रतापपुर है, बिहारपुर है, उडगी है, बतरा है। तो इन विकास खंडों में एप्लीकेशन मंगाए गए हैं प्रतिनियुक्ति और संविदा के बेस पे। अगर ये वैकेंसी प्रतिनियुक्ति के हिसाब से नहीं भर पाती है, वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाती है, तो संविदा के हिसाब से इस वैकेंसी को पूर्ण किया जाएगा। तो इसके लिए जो इच्छुक व्यक्ति हैं, देख सकते हैं 4/8/2022 यानी कि 4 अगस्त तक एप्लीकेशन कर सकते हैं, 10:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक ऑफिशियल जो टाइम है वहाँ पे। और एप्लीकेशन करना कहाँ है, तो जिला शिक्षा आपको कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त जिला कार्यालय, जिला सूरजपुर, पिन कोड रहेगा आपका 497229। तो इस फुल एड्रेस पे आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम पदों के या पोस्ट डिटेल की बात करें, तो देख सकते हैं डांड करवा के अंतर्गत जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है। और यहाँ पर देखेंगे जो भर्ती नियम से संबंधित जो प्रतिनियुक्ति या फिर संविदा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वैकेंसी के लिए जो मांगी जाती है, वो भर्ती नियम के अधीन रहेंगे। तो ये सारा कुछ जानकारी आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे अगर हम लेक्चरर पोस्ट की बात करें, तो हिंदी के लिए एक पोस्ट निकाले गए हैं, संस्कृत के लिए एक है, देन उसके बाद इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडी। तो लेक्चरर पोस्ट के लिए अब जनरली जानते हैं कि सैलरी क्या रहती है आत्मन में, तो 38,100 रुपीज़ की रहती है। तो यहाँ पर लगभग सभी तरह के पोस्ट निकाले गए हैं जो लेक्चरर के, हिंदी आपके, इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल स्टडी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो उसी तरीके से टीचर की भी वैकेंसी है। और टीचर वैकेंसी के लिए पहले लेक्चरर पोस्ट के लिए अगर हम योग्यता की बात करें, तो BEd प्लस मास्टर डिग्री मांगी जाती है। टीचर के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस TET प्लस BEd मांगा जाता है। और असिस्टेंट टीचर के लिए आपके 12th पास होना अनिवार्य है, साथ ही साथ टेट आपका क्लियर होना चाहिए, CGTET हो या फिर आपके सेंट्रल टेस्ट टेस्ट जो होते हैं वो टेस्ट आपको देने होते हैं और आपको क्लियर करने होते हैं। साथ ही साथ आपका 50% के साथ DA, DLED इन सारी की डिग्री अगर आपके पास है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। देख सकते हैं, इसी तरीके से सहायक शिक्षक के भी पोस्ट निकाले गए हैं। और उसी तरीके से बिहारपुर में भी ये वैकेंसी इसी तरीके से आई हुई है। तो क्वालिफिकेशंस को एक बार डिस्कस करेंगे दोस्तों, बाकी ये पोस्ट डिटेल आप देख सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी पोस्ट निकाले गए हैं लगभग। यहाँ पे अगर हम सूरजपुर की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और बाकी यहाँ पे स्कूल वाइज आप वैकेंसी को देख पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन में जो योग्यताएं हैं उसको फुल डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि व्याख्याता इंग्लिश के लिए देख सकते हैं, जितने भी लेक्चरर पोस्ट होंगे उसमें आपको आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, साथ ही साथ आपका BEd मांगा जाएगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अगर फिजिक्स के लिए डाउट रहता है कई बार अप्लाई करने के लिए, तो देख सकते हैं इनमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, फिजिक्स है आपका, इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी है, अप्लाइड फिजिक्स है। तो इनमें अगर आप इंग्लिश मीडियम से सारा ये एजुकेशन आपके पास है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया कि डाक आपको कहाँ से कहाँ पे स्पीड पोस्ट या पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक से आपको एप्लीकेशन करना है, तो सूरजपुर जिला, जिला सूरजपुर, ये जिला शिक्षा अधिकारी के पते पे फिल करना है। देन इसके बाद एज लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है, देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। प्रतिनियुक्ति के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार उपरांत चयन सूची तैयार की जाएगी। देन उसके बाद ये देख सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंट एक जानकारी है, प्रथम वरीयता
प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जाएगी। देन उसके बाद पर्याप्त संख्या में अगर प्रतिनियुक्ति के आवेदन प्राप्त नहीं होते तब फिर आपको संविदा बेस पे इन वैकेंसीज को फुलफिल किया जाएगा, जैसा कि वीडियो के मैंने शुरू में बताया था। नीचे देखेंगे एप्लीकेशन का फॉर्मेट है और सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं प्रॉपरली। यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरीके से आपका चयन होगा, तो वहाँ पे वेटेज लेते हुए किस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर टीचर आपके सारे मतलब व्यायाम टीचर, पीटीआई टीचर, सारी की वैकेंसीज निकाली गई है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पर एक जानकारी और है, यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक को आवेदन पत्र के साथ ₹45 के डाक टिकट के साथ स्वयं का पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, लिखा हुआ 2 लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। तो ये थोड़ा सा नया है, देख लेंगे आप, क्योंकि बाकी में तो ₹5 या ₹10 के लिफाफे में टिकट, डाक टिकट लगा हुआ भेजना रहता था, बट यहाँ पे ₹45 वाला टिकट लगाना है। तो ये चेक कर लेंगे, ये थोड़ा सा नया है। तो ये मैं आप लोगों को ये बता दिया हूँ सूरजपुर ज़िले के में। तो इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, जांजगीर ज़िले में भी इसी तरीके की आत्मानंद वैकेंसीज आई हुई हैं। और जांजगीर ज़िले में जो एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना है। तो ऑनलाइन के माध्यम से किस प्रकार फॉर्म फिल करना है ये वीडियो में हम बाद में देखेंगे। और काफ़ी वीडियो बने हुए हैं कि ऑनलाइन किस प्रकार से एप्लीकेशन करना है। तो चलिए हम यहाँ पर जांजगीर ज़िले के विज्ञापन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पे लेक्चरर, शिक्षक, सहायक शिक्षक सभी के लिए वैकेंसी आई है, जिनमें चांपा और सारा गांव में जो खोले जा रहे हैं आत्मानंद स्कूल है उसके लिए वैकेंसीज़ हैं। तो देख सकते हैं अगर हम बात करें ये चांपा के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे 15 पोस्ट निकाले गए हैं, जिनमें आपके लेक्चरर के हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, आपके सोशल स्टडी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सारी की एक एक वैकेंसीज़ हैं। 38,100 रुपीज़ की सैलरी होगी और क्वालिफ़िकेशन जो हमने डिस्कस किया है वही रहने वाला है। देख सकते हैं इंग्लिश के लिए हम देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में ये टीचर की जो वैकेंसी है, आपके पोस्ट हैं फिज़िक्स, यहाँ पे मैथ्स हैं, आपके साइंस है, सोशल स्टडी है, देन इंग्लिश है। और उसी तरीके से कंप्यूटर टीचर और यहाँ पे असिस्टेंट टीचर के 2 पोस्ट निकाले गए हैं। तो टोटल यहाँ पे 18 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। देन उसके बाद यहाँ पर उसी तरीके से सारा गांव पे भी वैकेंसीज़ हैं, जिनमें लेक्चरर के आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, इन सारी की वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी 18 पोस्ट निकाले गए हैं। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशंस हमने डिस्कस किया है। देख सकते हैं आवेदक को आवेदन पर जो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। हिंदी एवं संस्कृत के पदों को छोड़कर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो डाल पाएंगे। अगर बीएड उन्होंने किया है तो हिंदी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या संस्कृत के लिए। देन किसी भी मान्यता प्राप्त से सेकेंड डिग्री में ये सारी डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए इनमें से। और ये शिक्षक के लिए जो दिया है मैंने शॉर्ट में बताया है, तो सेम चीज़ें हैं यहाँ पर, बार बार रिपीट होंगी। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। कैसे करना है एप्लीकेशन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एक अदर वीडियो में, बट अभी हम यहाँ पर इन वैकेंसी को हमने देखा है दोस्तों। तो लगभग 33 पोस्ट पे, यहाँ पे 36 पोस्ट पे ये वैकेंसी जांजगीर ज़िले की है। देन उसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर आपके बिलासपुर में, तो बिलासपुर में भी जो आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं उसके अंतर्गत काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ये देख सकते हैं जो बिलासपुर का PDF है। और यहाँ पर देखेंगे आपके पोस्ट डिटेल की बात करें तो व्याख्याता हिंदी, इंग्लिश, आपके संस्कृत, मैथ्स, सोशल स्टडी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सारी की वैकेंसीज आई हुई हैं। और देखेंगे साथ ही साथ PTI टीचर, व्यायाम टीचर की भी वैकेंसी है, जिनमें मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल से आपको DPED या फिर BPED सहित ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी,
माध्यम के अंतर्गत सहायक शिक्षक की वैकेंसीज हैं, ग्रंथपाल यानी कि लाइब्रेरियन की वैकेंसीज हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया कि 50% के साथ हायर सेकेंडरी, देन डीए डीएलएड, और साथ ही साथ टीईटी या सीटेट यहाँ पे क्लियर करना अनिवार्य है, जो प्राथमिक प्राइमरी लेवल के जो होते हैं। देन उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे जो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है उनमें वैकेंसीज हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से, और देख सकेंगे व्यायाम टीचर की भी वैकेंसीज हैं, सहायक शिक्षक, सारी वैकेंसीज हैं लगभग। यहाँ पर देखेंगे आप बीआर अंबेडकर जो स्कूल है उसके अंतर्गत वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी वैकेंसीज हैं, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 60 के करीबन वैकेंसीज हैं, और ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। और इसके लिए बिलासपुर के लिए भी जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन के माध्यम से करना है, और जैसे ही आप बिलासपुर के वेबसाइट पे आएंगे देखेंगे लिंक फॉर वैकेंसीज लिखी हुई है, तो एक और पीडीएफ दिया हुआ है। और जैसे कि आप व्याख्याता के लिए करना चाहते हैं तो इस लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आप शिक्षक के लिए करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी होगी, देन उसके बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज हमने डाल दिया, इस तरीके से, देन उसके बाद हमको ये सारी जानकारी को पढ़कर यस यस करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्याता के लिए जो जानकारी है वो मांगी गई है, इनमें आवेदक के नाम डाल देंगे, देन पिता या पति का नाम डाल देंगे, देन उसके बाद जन्म तिथि, सारा एक गूगल फॉर्म के माध्यम से लिंक बनाया गया है। तो यहाँ पे कैटेगरी वो की गई है, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, ये सारा कुछ भर के आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। और इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद आपको। आई होप ये वैकेंसी, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारा पीडीएफ एक ही वीडियो में मैंने बना दिया है, ये सारी पीडीएफ के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।